तो गाइस यार आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। अब जैसा कि आपको लास्ट टाइम याद होगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम फ्रैंकलिन के साथ काफ़ी खतरनाक वाला मिशन किया था। अभी ना हम लोग भाई माइकल पे स्विच हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मेरे को अभी अपने घर पे जाना है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो बिना किसी देर का चल लेते हैं और वहाँ पर चलकर देखते हैं हम लोग को क्या मिशन मिलने वाला है। वैसे आप लोग को याद होगा कुछ टाइम पहले ना हम लोगों ने ज्वेलरी शॉप लूटने के लिए एक प्लान बनाया था। अब वो पता नहीं भाई कब होने वाला है। फिलहाल तो मेरे को यहाँ पे अपने घर पे जाना है। लेस्टर जो है वो मेरे को बताने वाला है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। मेरे को अभी ना अपने घर पर जाना है, तो भाई फटाफट से कुछ चल लेते हैं बिना किसी देर का। और पहुँच भी चुका है यार, मैं बातों बातों में पहुँच भी चुका हूँ। फिलहाल अपना जो कार है वो हम लोग यहाँ पर पार्क कर देते हैं। भाई साहब माइकल जो है वो अपने घर के अंदर अभी जा चुका है। रात हो चुकी है, मतलब ओ भाई रात सुबह भी हो चुकी है यार। मतलब कि माइकल जो है वो काफ़ी टाइम से घर में अपने और यहाँ पर बैठकर मस्त टीवी देख रहा है और चिप्स खा रहा है। ठीक है भाई, जिमी जो है मस्त यहाँ पर अपना गेम्स खेलने में लगा हुआ है और माइकल को गुस्सा आ चुका है क्योंकि जिमी कुछ ज़्यादा ही साउंड करके गेम्स खेलने में लगा हुआ है। भाई ये क्या कर दिया इसने? भाई साहब इसने टीवी ही तोड़ दिया। ओके गाइस, अभी जो जिमी है वो थोड़ा बहुत गुस्सा हो चुका है माइकल पर। मुझे ना अभी जिमी को यहाँ से ना बाहर लेकर जाना है और इसको थोड़ा बहुत बाहर घुमाना है जाकर, क्योंकि ये दिन भर गेम्स ही खेलते रहता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, भाई भर के गेम्स खेलता है यार, रुकता ही नहीं है। फिलहाल जो जिमी है वो माइकल पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका है और भर के सुना रहा है उसको। बट कोई नहीं भाई, इसको लेकर चलते हैं घुमाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस यहाँ पर ना मेरे को ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं जाना था भाई। मेरे को लग रहा है इसको पीट दूँ, बट अभी मिशन में उसे नहीं छोड़ रहा हूँ इसको, नहीं तो पिटने वाला था मेरे से। भाई इसका गलती था, ये पिटने वाला है भाई। ये पिटने वाला है भाई, दिमाग खराब कर धर देते हैं यार, जाने भी नहीं देते। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अचानक से इसने कार मोड़ लिया। वैसे भी बच गया है, पिटा नहीं मेरे से, बच गया है, नहीं तो भी मर जाता मेरे हाथों। भाई ये बंदा पिट मेरे से ना, ये बंदा पिटना ही चाहता है। देख रहे हो बार बार मेरे पास ही आ रही है पिटने के लिए। बस छोड़ रहा हूँ इसको भाई, अभी मरने वाला था मेरे हाथों, ये बच चुका है अभी। भाई हद ही कर देता है गाइस। यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हम लोग उस वाले लोकेशन पे ना पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा रास्ता यहाँ पर और बचा हुआ है और हम लोग उस वाले लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। भाई यहाँ पर अपना जो कार है वो हम लोग को ना यहाँ पर पार्क कर देना है। अभी ना गाइस मेरे को यहाँ पर ना एक साइकिल सिलेक्ट करना है, तो मैं तो ये वाला करने वाला हूँ। तो फटाफट से ये वाला जो साइकिल है हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। जिमी भी जो है यहाँ पर आकर अपना मस्त साइकिल सिलेक्ट करने वाला है। और ये वाला रेस तो ऑब्वियसली मैं ही जीतने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रो हूँ मैं। ठीक है ना भाई, मैं गलत आ गया था बातों बातों में, बट कोई नहीं। यहाँ से अपना जो साइकिल है थोड़ा सा सही रास्ते पर लेकर चले जाते हैं हम लोग और बढ़िया तरीके से चलाते हैं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर मैं बिल्कुल आराम से भी चलाता हूँ ना, फिर भी मैं जीत जाने वाला हूँ क्योंकि जिमी कुछ ज़्यादा ही नल्ला है। यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक सीन हो जाने वाला है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। यहाँ पर बढ़िया तरीके से चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। भाई भर दिया मैंने, एक बंदे को भर दिया मैंने। भाई भागो यहाँ, नहीं तो भाई यहाँ पर पुलिस का पंगा हो जाने वाला है। भाई ये कहाँ लेकर जाना है अपना साइकिल को? भाई जिमी देखो यार कितना पीछे, मैं तो आराम से चलाने वाला हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी जीतने वाला हूँ मैं, ठीक है ना भाई, दिक्कत वाली बात ही नहीं है बिल्कुल।
चलो गाइस यार, यहाँ पर हम लोग अपना जो साइकिल है वो लेकर आ चुके हैं। जिमी भी यहाँ पर आ चुका है भाई, पता नहीं कैसे इतना जल्दी, इतना ज़्यादा पीछे था, इतना जल्दी कैसे आ सकता है कोई बंदा। भाई साहब यहाँ पर ना जिमी जो था, मतलब माइकल का जो बेटी है ट्रेसी, उसको भी इसने फंसा दिया, तुम समझ रहे हो। वो ना यहाँ पर ये जो सामने वाला बोट देख पा रहे हो ना, ट्रेसी जो है वो यहाँ पर पार्टी कर रही है और माइकल को इसने बता दिया, मतलब जिमी ने सारा सीन बता दिया। और माइकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है और अभी ना हम लोग को भाई यहाँ से सामने वाले बड़े से बोट के पास जाना है और वहाँ पर जाकर पता नहीं क्या सीन होने वाला है, माइकल वहाँ पर क्या करने वाला है। फिलहाल तो मेरे को यहाँ पर तैरते हुए वहाँ पर जाना है और ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं। मतलब कि जिमी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो नहीं चाहता था कि सिर्फ मैं ही फंसूँ, सबको फंसाएगा यार, मैं थोड़ी ना फंसूँगा, मैं इसकी सबको फंसाऊँगा मैं। तो उसने भाई ट्रेसी को भी फंसा दिया और माइकल बहुत ज़्यादा भी गुस्से में आ चुका है और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो पार्टी चल रही है इन लोगों की। Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Hey, cool, man. What are you doing? Hey. Fuck, man. Bye. You're such a Michael ने उसको भाई फेंक ही दिया सीधा नीचे। These guys are serious. Yeah, well, so am I. Caused the scene of my fucking boat. Oh, motherfuckers. Get on. Now. अभी ना मेरे को भाई यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि वो लोग भाई मार रहे हैं हम लोगों को यार, जल्दी से भागना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। भाई ये पीटने वाले मेरे से, तुम समझ रहे हो। भाई इन लोगों को पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ, ये लोग कुछ ज़्यादा ही चौड़े बन रहे हैं। ये लो भर दिया, हो गया भाई। मैं ये लोग मार रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं कर रही है और मैं मार रहा हूँ तो देख रहे हो तुम, भाई हद ही है यार बिल्कुल। वो मार रहे हैं तो कोई नहीं भाई, मरने दो, क्या दिक्कत वाली बात है। भाई वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुका है मेरे से और अपना जो बोट है वो यहाँ पर मैं फुल स्पीड के अंदर भगा रहा हूँ और एक बंदे को मैंने लपेट भी लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल उसको आने देते हैं ना, मैं डर क्यों रहा हूँ भाई, मेरे पास भी गन है यार, दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, आने दो भैंस कि उसको पीटेंगे हम लोग। चलो कोई नहीं भाई, आगे चल लेते हैं। आ गया क्या वो, आ जाओ पीटना है इसको, पीटने में अच्छा लगता है। आ जाओ भाई, इसको पता नहीं है भाई माइकल कौन है, इसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है, ठीक है ना, हो गया इतना ही था भाई, हद ही कर रखा है बिल्कुल। भाई यार इस बोट को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट कोई नहीं भाई, बढ़िया तरीके से अभी चलाने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को यहाँ से भाई पता नहीं किधर जाना है, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी दूर जाना है, मैप के अंदर देखते भाई यहाँ पर जाना है मेरे को यार। अभी ना गाइस यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उस वाली लोकेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं, अपना जो बोट है वो मेरे को यहाँ पर रोकना है। अभी ना गाइस यार यहाँ पर ना जिमी और ट्रेसी दोनों माइकल पर बहुत ज़्यादा गुस्से हो चुके हैं और ट्रेसी जो है वो जिमी पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, तुम समझ रहे हो, उसको भी उसने बहुत गंदा सुनाया। फिलहाल ये वाला जो मिशंस था वो तो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, बट मेरे को यहाँ पे भाई कोई कार दिख ही नहीं रही, भाई मैं जाऊँगा कैसे यहाँ से। ओके गाइस फाइनली यहाँ पर मेरे को एक साइकिल तो मिल ही चुका है भाई, इसी से चलते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। अभी ना गाइस मेरे को ना यहाँ से एक कार लेनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरे को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है, साइकिल से जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये वाला जो कार है वो मैंने अभी चोरी कर लिया है। कोई नहीं भाई चलते हैं। भाई साहब मेरे को अभी लग रहा था कि भाई उसके पास जाना है मेरे को, बट ऐसा नहीं है, वो जो बंदा है ना वो भाग रहा है भाई, मतलब वो किसी गाड़ी से है और उसको हम लोग को अभी पकड़ना है यार। भाई साहब तभी तो बोलूँ मैं उस पर मार कर रहा हूँ तो वो बार बार आगे क्यों चले जा रहा है। ओके गाइस तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वो जो बंदा है भाई गंदा भाग रहा है भाई, मेरे पास से एक पिस्तौल है और कुछ भी नहीं है। भाई ये गलती कर दी मैंने, नहीं 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 नहीं, नहीं।
ये क्या करा मैंने? ओके, तो ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं आइडिया था भाई, इसके अंदर ये मिलेगा भाई, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था। एक काम करते हैं, हम लोग पास में ही एनिमेशन का शॉप है, वहाँ पर चलते हैं और चलकर आर्मर बाई करते हैं और कुछ गन्स बाई करते हैं, ठीक है ना? ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला ये वाला मिशन, फटाफट से चलते हैं। मुझे ना गाइज अभी यहाँ से ना एक बढ़िया वाला आर्मर बाई करनी है, जो कि अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बट पैसा देखो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाने वाली है यार, यहाँ पर ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं कोई भी गन्स नहीं खरीद सकता, ठीक है ना भाई साहब? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ओके गाइस, तो अभी ना हम लोग एक गन्स तो खरीद ही सकते हैं, ये वाला शॉर्टकट ना हम लोग भाई फटाफट से ख़रीदते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बहुत एमओ भी ख़रीद लेते हैं, ये वाला गन काम आने वाला है भाई। भाई साहब फाइनली हम लोग को यहाँ पर एक गन तो मिल ही गया। गाइज अभी ना हम लोगों ने वो वाला शॉटगन तो ख़रीद लिया था, बट उसको ख़रीदने के चक्कर में हम लोगों ने लेट कर दिया था। मुझे ना उसके पास तुरंत से जाना है और उन लोगों को पकड़ना है, मैंने लेट कर दिया था, इसी वजह से अपना जो मिशन है दोबारा से फेल हो चुका था, ठीक है ना? और मेरे को इसको कैसे भी करके पकड़ना है। उतरते हैं फटाफट से, कवर में जाते हैं, मैंने शॉटगन बाई कर लिया तो कोई दिक्कत वाली भाई, फिर से भाग गई वो यार। और गाइज अभी अभी ना मेरे को सारा सीन समझ में आ चुका है, ये वाला पुलिस का कार है और इसको हम लोग को भाई पुलिस वालों से छीनना है कैसे भी करके। और ये वाला जो कार है ना, ये शायद से ज्वेलरी वाला शॉप लूटने में काम आने वाला है, तो इसको हम लोगों को कैसे भी करके भाई छीनना पड़ेगा इस पुलिस वालों से। और ये बहुत ख़तरनाक है भाई, मजाक से हट के। पिटोगे तुम, समझ रहे हो? इन लोगों को पता नहीं है क्या माइकल कौन है? शायद ये लोग गंदा फंस चुके हैं भाई। भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है भाई, मैं अंदर जा ही नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, मार देगा मेरे को ये जिंदा कैसे रख गया ये भाई, ये जिंदा कैसे रख गया? कोई नहीं कोई नहीं, लपेटते हैं। भाई जंप कर ले यार जल्दी से, मेरे को इसके अंदर बैठकर भाई भागना पड़ेगा यहाँ से। पुलिस वाले पीछे पड़ चुके हैं, गंदा पीछे पड़ चुके हैं भाई, जल्दी से भागना पड़ेगा मेरे को। भाई सब ये बहुत खतरनाक था, मजाक से हटके भाई। भाई ये इजी नहीं है भाई, पुलिस वाले हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं और ये लोग नहीं छोड़ने वाले यार। गाइस ये वाला मिशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है, क्योंकि पुलिस वाले पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। बहुत टाइम से मैं बस अपना जो कार है उसको चलाया जा रहा हूँ और ये लोग नहीं छोड़ रहे, ठीक है ना भाई? देख रहे हो तुम भाई, पीछे की तरफ से हेलीकॉप्टर भी पड़ चुकी है यार। बट लेस्टर ने मेरे को बोला है भाई कैसे भी करके ये वाला कार ना मेरे को भाई चुराना ही है, तभी हम लोग वो वाला ज्वेलरी का शॉप लूट सकते हैं, ठीक है ना? वरना हम लोग नहीं लूट सकते। तो भाई कैसे भी करके मेरे को इसको चुराना है बस। फाइनली भाई साहब काफ़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले ने पीछा छोड़ दिया है और यहाँ पर देख रहे हो तुम, इसके अंदर ना भर भर के एमओ है। पीछे की तरफ ना यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक वाला एक डब्बा रखा हुआ है जिसके अंदर भर के एमओ और गन्स है। और सबसे मेन चीज़ भाई यही है अपने लिए, जो कि वो वाला ज्वेलरी शॉप लूटने में मदद करने वाला है। पहले मेरे को लग रहा था भाई मेरे को ना कार चुरानी है, बट ऐसा नहीं है। बट अभी अभी मैंने मैसेज पढ़ा तो मेरे को पता चला भाई इसके अंदर जो गन्स है ना वो मेरे को चुराना था, कार तो कुछ भी नहीं है, वो तो मिल जाएगा हम लोग। बट अपना जो मेन काम था ना वो यहाँ पर इस कार को चुराना तो था ही,
अब इसके अंदर आप लोग देख ही सकते हो भाई, गन्स और एमोस भर के है। मतलब ये वाला जो डब्बा देख पा रहे हो पीछे जो रखा हुआ है ना, इसके अंदर भर के गन्स है, और वो अपना बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वो वाला ज्वेलरी शॉप लूटने में फ़िलहाल लेस्टर ने मेरे को अपने ऑफिस के अंदर बुलाया है, और लेस्टर को कॉल भी हम लोग अभी कर चुके हैं। उससे बातचीत करके देखते हैं भाई क्या सीन है। अभी ना हम लोग लेस्टर के ऑफिस में आ चुके हैं और सुबह हो चुके हैं यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और अभी हम लोग शायद से वो वाला ज्वेलरी शॉप लूटने जाने वाले हैं, ठीक है। फाइनली गाइज यहाँ पर सारा प्लानिंग हो चुका है, और अभी ना गाइज मेरे को यहाँ पर जाकर बस वो वाला ज्वेलरी शॉप लूटना है। यहाँ पर ना माइकल भी बैठा हुआ है, और जिन जिन बंदे को हम लोगों ने भाई चूज़ किया था वो भी आकर बैठ चुके हैं, और यहाँ पर पूरा प्लानिंग हो चुका है। अभी बस मेरे को जाना है और वो वाला ज्वेलरी शॉप लूटना है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। बट यहाँ पर ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसीलिए हम लोग अगले वाले वीडियो में हम लोग ये वाला मिशन कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी आज के इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो बस जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल को, और साथ ही में उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। बाय। बाकी अगले वाला जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। बाय बाय।